तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पे जो सचिन टेक है यानी कि सचिन भाई मेरे वीडियो को अपने कंप्यूटर टैब में शेयर किया। आप यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने मेरे ये वीडियो को शेयर किया है। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वीडियो सचिन टेक यानी कि सचिन भाई के कंप्यूटर टैब में लाना है अपने वीडियो को, तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देख लो, हो सकता है वीडियो देखने के बाद आप भी अपने वीडियो को सचिन टेक सर के कंप्यूटर टैब में ला सकते हो। तो दोस्तों सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से ट्रिक को यूज करके आप सचिन भाई के कंप्यूटर टैब में अपने वीडियो को ला सकते हो और आपको क्या क्या करना है ताकि सचिन भाई आपके वीडियो को भी अपने कंप्यूटर टैब में शेयर कर दे। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो कैसे बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि सचिन भाई या तो कोई और भी जो है यूट्यूबर मतलब बड़े लेवल पे, उसके जो कंप्यूटर टैब में अपने वीडियो को कैसे शेयर करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो चीज करनी है। सबसे पहले तो आपको कोई वीडियो बनाना है जो कि थोड़ा अच्छा वीडियो हो, प्रोफेशनल टाइप का हो, और मतलब कुछ यूनिक वीडियो होना चाहिए, मतलब वीडियो में आपका दम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ उठपटांग वीडियो बना लिए तो ऐसे नहीं होगा, आपको कुछ अच्छा वीडियो बनाना चाहिए ताकि अगर आपका कॉन्टेंट में दम हुआ, आपका कॉन्टेंट अच्छा है, तो ऑब्वियसली सचिन सर आपके वीडियो को अपने कंप्यूटर टैब में शेयर कर देगा। बट गाइस उससे पहले बात कर रहे थे कि हम अपने वीडियो को सचिन सर के पास भेजें कैसे। अगर हम इंस्टाग्राम पे लिंक भेजेंगे तो वहां पे वो नहीं देख पाएगा क्योंकि वहां पे उसका बहुत सारा मैसेज आता है, इसलिए हो सकता है हमारे वीडियो को देख ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों यहां पे आपको बताने वाला कि आप YouTube के जरिए ही सचिन भाई के पास अपना वीडियो को सेंड कर सकते हो, और ऑब्वियसली बात है कि आप अपने वीडियो को सचिन भाई या तो किसी और भाई के पास अगर भेजोगे जो कि बड़े लेवल पे है, और अगर आपका वीडियो पसंद आया उसे, या तो आपका कॉन्टेंट में दम हो या कुछ यूनिक हो, मतलब थोड़ा तगड़ा कॉन्टेंट आपका, तो ऑटोमेटिक अगर पसंद आया तो वो अपने कंप्यूटर टैब में जरूर आपके वीडियो को शेयर कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तरीका बताने वाला हूं कि आप जो भी वीडियो को अपलोड करते हो उस वीडियो को कोई भी बड़े यूट्यूबर या तो छोटे यूट्यूबर, मतलब कोई भी यूट्यूबर मिलियन में क्यों ना सब्सक्राइबर हो, उसके पास आप अपने वीडियो को कैसे भेज सकते हो। जहां दोस्तों अगर आप अपलोड करते हो और उस टाइम एक ट्रिक को यूज करते हो तो आपकी जो वीडियो है वो बड़े यूट्यूबर हो या छोटे यूट्यूबर जिसके पास चाहो उसके पास आप भेज सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आप यहां पे देख सकते हो साइड पे मेरा स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा, यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया हूं। तो गाइस आपको करना क्या है कि आपको जो भी वीडियो को अपलोड करना है वो आप जहां से अपलोड करते हो, क्रोम से या तो फिर यूट्यूब एप्लीकेशन से या तो जहां से भी अपलोड करते हैं अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको अपना वाईटी स्टूडियो को ओपन कर लेना है। देन यहां पे हम अपना वाईटी स्टूडियो को ओपन कर लिए, फिर यहां पे आपको एडिट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको अपने टाइटल पे चले जाना है। उसके बाद आपको यहां पे एक चीज करना है, यहां पे आपको @ का देना है, यहां पे देख सकते हैं @ लगा देना है मतलब टाइटल में। उसके बाद आप जिस भी चैनल के पास अपने वीडियो को सेंड करना चाहते हो यहां पे उसको मेंशन कर देना है, ताकि आप जो भी चैनल को यहां पे मेंशन करोगे उसके पास आपकी वीडियो जाएगा, और उसके पास वीडियो जाएगा तो वो आपके वीडियो को जरूर देखेगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा हुआ, आपका कॉन्टेंट में दम हुआ, कुछ यूनिक हुआ, तो ऑटोमेटिक अगर उसे पसंद आया तो आपके वीडियो को अपने कंप्यूटर टाइम या तो कहीं तो शेयर करेगा, या तो आपके वीडियो को लाइक करेगा, या तो कमेंट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे @ का लगा देना है यहाँ पे सिंबल, उसके बाद आप जो भी चैनल को मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सचिन भाई को मेंशन करके दिखा देता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे @ उसके बाद सचिन यहाँ पे लिख देंगे सचिन टेक। तो जैसे कि यहाँ पे सचिन लिखोगे तो यहाँ पे उसका चैनल यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे चैनल आ जाएगा। बट ऐसे आपका जो भी चैनल को मेंशन करना है उसी चैनल को यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं टाइटल में यहाँ पे लग चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी यूट्यूबर को मेंशन कर सकते हो, उसके बाद अपने वीडियो को उसके पास भेज सकते हो। तो ऐसे में आपका दो बेनिफिट होगा, एक तो उसका जो व्यूवर्स है कुछ आपके वीडियो पे आएगा, और दूसरा आपके वीडियो भी कुछ बड़े यूट्यूबर जो है उसके पास चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।